नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। आज से 600 वर्ष पहले अच्युतानंद दास जी वैष्णव संप्रदाय के एक संत हुए ओडिशा के, जिन्होंने इस पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भविष्यवाणियां दी थी। कल की अवतार के विषय में भविष्यवाणियां दी थी, इस विश्व के अंत के पहले क्या स्थिति होगी, इस विश्व का अंत कैसा होगा, भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका की स्थिति क्या होगी, रूस की स्थिति क्या होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और फिर से एक नए विश्व का निर्माण कैसे होगा, इन सभी चीजों पर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस दिए। लेकिन यह विडंबना है कि हम लोग नॉस्ट्राडेमस और वेंगा बाबा जैसे लोगों की भविष्यवाणियां तो सुनते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक उद्भट विद्वान, एक बहुत ही आला दर्जे के संत के विषय में हमको नहीं पता, उनकी भविष्यवाणियों के बारे में नहीं पता। आज के इस वीडियो में मैं अच्युतानंद दास जी के मालिका भविष्यवाणियों की चर्चा करूंगा। मैंने काफी शोध किया है, अध्ययन किया है और तब मुझे कुछ चीजें मिली है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है उनकी भविष्यवाणियों की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, 15th और 16th सेंचुरी के समय में ओडिशा में वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद दास जी हुए। उस समय में उनके समकालीन चार और दूसरे संत भी थे और इन पांचों को मिलाकर पंच सखा कहा जाता था। मालिका भविष्यवाणी करके उन्होंने एक बुक लिखा है, जिसको अच्युतानंद दास मल्लिका के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही सनसनीखेज प्रेडिक्शंस किए हैं। और याद रखिए, नॉस्ट्राडेमस की तरह वो कोई ऐसे भाषा में उनके प्रेडिक्शंस नहीं है जिनको आप समझ नहीं पाएंगे। नॉस्ट्राडेमस का यदि आपने प्रेडिक्शंस देखा है तो उनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती। जब कोई घटना घट जाती है तो सब विद्वान फिर बोलने लगते हैं, देखो नॉस्ट्राडेमस ने तो ऐसा बोला था। अच्युतानंद दास जी ने बहुत ही क्लियर कट, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में अपनी भविष्यवाणियों को लिखी है, पूरा पुस्तक है। उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियों का नोट्स बनाकर रखा है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। उनकी भविष्यवाणियों को आप तीन श्रेणी में बांट कर देख सकते हैं। सबसे तो पहले ये कि कलयुग के अंत की शुरुआत क्या होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे। दूसरा, जब अंत शुरू होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहां पैदा होंगे, किस तरीके से विश्व का अंत होगा। और तीसरी भविष्यवाणी को मैं पॉलिटिकल कैटेगरी में रखता हूं, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में, अमेरिका के बारे में, चाइना के बारे में, रशिया के बारे में लिखा है और उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तो सबसे पहला सेक्शन, कलयुग के अंत के पहले क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण होंगे, उसके विषय में मैं आप लोगों को बताता हूं। वो लिखते हैं कि सूर्य अपना बेनेवोलेंस, अपनी परोपकारी हितकारी प्रवृत्ति को छोड़ देगा। सूर्य, जिसको हम लोग मानते हैं कि यह पृथ्वी पर जीवन देने वाला है, वह जीवन लेने वाला बन जाएगा। और हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि आजकल अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह की वजह से बहुत सारे लोग स्किन कैंसर और दूसरी व्याधियों से पीड़ित हो रहे हैं और उसमें उनकी जान जा रही है। वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कार्यों को भूल जाएंगे, और तो और भगवान के भक्त
और धर्म का वो मजाक उड़ाने लगेंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान करना शुरू करेंगे और भक्तों की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। वो और आगे लिखते हैं, संस्कार बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, बड़ों का एवं शिक्षकों का कोई आदर नहीं रहेगा, अज्ञानी एवं धूर्त लोग अपने भाषा कौशल, धूर्तता, मार्केटिंग एवं प्रोपेगेंडा करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे और आम लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, उनको पथभ्रष्ट करने का काम करेंगे। महिला एवं पुरुष दोनों ही खुलेआम बिना कोई शर्म के व्यभिचार में और अश्लीलता में रत हो जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है अभी? पुरुष का संबंध पुरुषों के साथ और महिलाओं का संबंध महिलाओं के साथ बनने लगेगा। प्रेम संबंध की वो बात करते हैं, और इस तरीके के अश्लील प्रेम संबंधों को, अप्राकृतिक संबंधों को समाज मान्यता भी दे देगा, ऐसा वो लिखते हैं। और आप देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें आज सत्य हो रही है। आज से 500 वर्ष पहले, जिस समय 15वीं और 16वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, उस समय इंडिया में भक्ति काल का दौर था, और उस समय में कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि आज से 500 या 600 वर्षों के बाद इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी, जब पुरुष पुरुष के साथ शादी करेंगे, महिला महिला के साथ शादी करने लगेगी और इसको समाज में एक मान्यता भी मिल जाएगा। इनफैक्ट आज के युग में तो ऐसे लोगों को प्रोग्रेसिव समझा जाता है। बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे। मैथुन क्रिया के प्रति आसक्ति बहुत छोटे उम्र से बच्चों में होने लगेगी। Children will become sex addicts। और आगे लिखते हैं, बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इस तरीके के संबंध समाज में होना शुरू हो जाएंगे। शायद वो लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में कह रहे थे। हवा इतना ज्यादा हैवॉक क्रिएट करने लगेगा कि लोगों को चित्कार करती हुई हवाओं से डर लगने लगेगा और ऐसी घटनाएं बार बार होने लगेंगी। शायद वो साइक्लोन्स के बारे में कह रहे थे। विचित्र बीमारियां इस पूरे विश्व में एक के बाद एक आना शुरू हो जाएंगी, और ये बीमारियां ऐसी होंगी कि डॉक्टर एवं वैद्य भी, चिकित्सक भी हतप्रभ रहेंगे, और ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। गांवों एवं शहरों में जंगली जानवरों, सांप एवं बिच्छुओं का हमला होगा, ऐसा भी कहीं ना कहीं हम कम लेकिन देखना हमने शुरू कर दिया है। न्यूज में आपको डेली ऐसे न्यूज मिल जाएंगे, हाथियों ने गांव में घुसकर घर ढा दिया, चार लोग मर गए, तमाम तरह के समाचार आपको देखने को मिलेंगे। वो लिखते हैं कि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला एक राष्ट्र मार्ग का निर्माण होगा। उस समय में, आज से 600 साल पहले, नेशनल हाईवेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यह मैं 1480-1490 की बात कर रहा हूं।
और आज आप देखिएगा वाकई में जगन्नाथपुरी को नेशनल हाईवे के द्वारा जोड़ा गया है। वो लिखते हैं, उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका एज तो काफी होगा लेकिन शायद बुद्धि या उसके जो क्रियाकर्म होंगे वो बच्चों के समान होंगे। उन्होंने लिखा है, पुरी का अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। अभी भी पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे, मंदिर के ऊपर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा, मंदिर के अंदर खून दिखेगा, त्रिदेव के ऊपर जो वस्त्र लगा हुआ है वहां तीन देवता स्थापित हैं और उनके ऊपर एक शामियाना जैसा एक वस्त्र लगा रहता है, उस वस्त्र में आग लग जाएगा। मंदिर के प्रशासन में कई तरह की कमियां सामने आएंगी और आप ध्यान रखिए कि इस तरीके की घटनाएं पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर में कई बार हो चुकी है। पत्थर तो शायद अभी तक नहीं गिरा है लेकिन ध्वज कई बार गिर चुका है और वहां आंतरिक प्रशासन में बहुत सारी कमियां पाई गई है। वो लिखते हैं कि जब प्रलय आएगा उसके पहले जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर के 22वें सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा और जगन्नाथपुरी से भगवान को एक दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अच्युतानंद दास जी अपने मल्लिका प्रेडिक्शंस में लिखते हैं, अंत के पहले महंगाई अपने चरम पर होगी, खाने पीने के वस्तु दुर्लभ हो जाएंगे, खाने पीने के वस्तुओं के लिए सड़कों पर रायट्स होगा, रोज नई नई बीमारियां आएंगी, प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लग जाएगा, एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सरकार जनता पर नए प्रकार के टैक्सेस को लागू करेगी और इसके वजह से बहुत ज्यादा जनता में आक्रोश पनपेगा इन परिस्थितियों के वजह से और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी पूरे समाज में। अच्युतानंद दास जी ने कल्कि अवतार के विषय में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कल्कि अवतार कहां पैदा होंगे, उनका नाम क्या होगा, वो किस तरीके से अपने भक्तों के साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें बहुत सारे चिरंजीवी इस युद्ध में हिस्सा लेंगे, कैसे हर गांव में, हर शहर में, हर देश में बहुत कम लोग बच जाएंगे, और ऐसी तमाम भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं। आज मैं सारी भविष्यवाणियों को इस वीडियो में लाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका एक सेकंड पार्ट बनेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा भारत का अंतिम राजा कौन होगा, उसके क्या लक्षण होंगे, भारत पर कैसे कुछ देश मिलकर और कुछ धर्म के लोग मिलकर आक्रमण करेंगे, कैसे तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, रूस, अमेरिका, चाइना, इन देशों की क्या परिस्थितियां रहेंगी, इन तमाम प्रिडिक्शंस के साथ मैं अगला वीडियो 2 दिन के बाद ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो
पसंद आया होगा। अच्युतानंद दास जी ने अपने पुस्तक में ही लिखा है कि ये भविष्यवाणियां लोगों को डराने के लिए नहीं की जा रही हैं, बल्कि लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, आगाह करने के लिए की जा रही हैं। तो आप भी ऐसा ही मानें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।